सब्सक्राइब कीजिए हमारी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप को और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए इस रिंग के बटन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितवारी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। देखिए, यहाँ पर दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर शब्दों का निर्माण करते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। जब भी हम कोई वाक्य देखते हैं, जैसे मैंने बोला आपसे कि बच्चे खेल रहे हैं, मोहन बाजार जा रहा है, ये वाक्य किससे मिलकर बना है, तो आप बोलोगे ये वाक्य शब्दों के मेल से बना हुआ है। ठीक है, शब्द किससे मिलकर बनते हैं, शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मोहन जा रहा है, ठीक है, तो जो एक वाक्य बना हुआ है कि मोहन घर जा रहा है, ये वाक्य वाक्य किससे मिलकर बनते हैं, शब्द से मिलकर बनते हैं। तो ये वाक्य जो है पूरा का पूरा वाक्य शब्दों के मेल से बना हुआ है या पदों के मेल से बना हुआ है। यहाँ पे मोहन घर जा रहा है, ये सारे के सारे क्या है, शब्द है। अब कोई भी शब्द हो, शब्द किससे मिलकर बनता है, शब्द मिलकर बनता है वर्णों से, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि मोहन जो शब्द है, घर शब्द है, जा रहा है, ये सारे के सारे जो शब्द हैं, है ना, जिन्होंने एक वाक्य का निर्माण किया है, ये किससे मिलकर बने होंगे, वर्णों से मिलकर बने होंगे, है ना। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मोहन में कितने वर्ण हैं, तो मोहन नाम के शब्द में 6 वर्ण होते हैं। तो आपको वर्ण शब्द और अक्षर, है ना, इनमें अंतर क्या होता है वो मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैं एक शब्द लिखता हूँ कोई भी, मैंने बोला कि मोहन एक शब्द है, ठीक है, मैंने बोला मोहन एक शब्द है, तो वास्तव में जो शब्द होते हैं वो वर्ण से मिलकर नहीं बनते हैं, वास्तव में शब्द होते हैं वो अक्षर से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, वास्तव में शब्द अक्षरों से मिलकर बने होते हैं और अक्षर वर्णों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जैसे मोहन नाम का एक शब्द है, ये क्या है, मोहन नाम का शब्द है, ये कितने अक्षरों से मिलकर बनाया है, तो मोहन में 3 अक्षर है, एक मो, एक हा और ना, ये 3 अक्षरों से मिलकर मोहन नाम का शब्द बना है, ठीक है। अब हर शब्द अक्षर में 2 वर्ण होते हैं, हर अक्षर भी वर्णों से मिलकर बना होता है। देखो, वास्तव में कहानी जो दिख रही है वो नहीं होती है, वास्तव में कहानी होती क्या है कि देखो यहाँ पे ध्वनि और वर्ण एक ही होते हैं, ध्वनि वर्ण एक ही होते हैं, वर्णों से मिलकर अक्षर बनते हैं, अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। तो मैंने बोला है ये जो वाक्य बना है वो शब्दों से मिलकर बना है और शब्द किससे मिलकर बनते हैं, अक्षरों से। तो हर शब्द में कुछ अक्षर होते हैं, तो इस शब्द में कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं, और हर एक अक्षर में कुछ ना कुछ वर्ण होते हैं। तो मैं बोलूं, बताओ मुझे मो जो अक्षर है उसमें कितने वर्ण हैं, तो आप बोलोगे 2 वर्ण हैं। कौन कौन से, एक तो देखो माँ, इसमें से अगर मैं स्वर को बाहर कर दूं माँ में से, तो माँ प्लस ओ ये हो जाएगा। ऐसे में अगर हा में देखूं, तो आपको मालूम है कि हर एक अक्षर में एक ना एक स्वर मिला रहता है, है ना। जैसे हा में कौन कौन सा होगा, हा प्लस आ, उसी प्रकार ना में कौन सा होगा, ना प्लस आ, इस टाइप से। तो जैसे मैंने बोला था आपसे, क्वेश्चन आता कि बताइए मोहन नाम के शब्द में कितने वर्ण हैं, है ना, तो आप बोलोगे 6 वर्ण हैं। एक मा में से स्वर बाहर हो जाएगा, मा प्लस ओ, इसी प्रकार हा में से स्वर बाहर हो जाएगा, हा प्लस आ, इसी प्रकार ना में से स्वर बाहर हो जाएगा, ना प्लस आ, है ना। तो कितने वर्ण, 6 वर्णों से मिलकर बना था। ऐसे अगर मैं बोलूं जो घर शब्द है, शब्द कौन सा है, घर, ठीक है, घर नाम का शब्द है, आप बताइए कि इस घर नाम के शब्द में कितने अक्षर हैं, तो आप बोलोगे इसमें 2 अक्षर हैं। अक्षर कितने, 2, कौन कौन से, एक घा और दूसरा रा, ठीक है। तो आपने बताया कि शब्द था हमारा घर, ये 2 अक्षरों से मिलकर बना था जिसमें घा और रा नाम के 2 अक्षर थे। अब ये अक्षर कितने वर्णों से मिलकर बने हैं, तो आप बोलोगे हर अक्षर 2 वर्णों से मिलकर बना है, घा में भी 2 वर्ण और रा में भी 2 वर्ण। तो घा में कौन कौन से वर्ण है, देखो घा में जब हम हलंत लगा देंगे तो आ बाहर आ जाएगा, ऐसे रा में हम जब हलंत लगाएंगे तो आ बाहर आ जाएगा, इस प्रकार होता है, ठीक है। तो अक्षरों से देखो वर्णों से मिलकर अक्षर बनते हैं, अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्द से मिलकर वाक्य बनते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है, ये महत्वपूर्ण शब्द है ध्वनि और वर्ण, है ना। जो शब्दावली है, ध्वनि किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, आपको मालूम है कि प्रारंभिक दौर में जब इंसान लिखना नहीं जानता था तो क्या थी, केवल ध्वनियां थी, है ना, हम बोल नहीं सकते थे, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि इनका वर्ण क्या होता है, लेकिन ध्वनि जरूर थी, का मा,
तो इसके बाद धीमे धीमे समय गुजरता गया, तो क्या है, हर ध्वनि को एक चिन्ह बना दिया गया कि जैसे मैंने आपसे बोला माँ, तो माँ क्या जो चिन्ह है वो कैसा है, लिखित चिन्ह ऐसा है, अगर मैं इसका उच्चारण करूंगा तो मैं बोलूंगा माँ, ये ध्वनि है, हर ध्वनि का एक चिन्ह होता है, जैसे मैंने इसको लिख दिया तो आप समझ गए हो कि इसका उच्चारण कैसे करना चाहिए, माँ, है ना। अब मैंने बोला का, तो मैं चाहे आपसे का बोल के भी बोलूं, उच्चारण करके दिखाऊं, या फिर लिख के बता दूं, आप समझ जाओगे इसका उच्चारण कैसा होगा, का जैसा, है ना। तो ये आप समझे कैसे कि इसका उच्चारण का जैसा है, इसका उच्चारण माँ जैसा है, इसलिए समझे क्योंकि हर ध्वनि का एक चिन्ह होता है, इन्हें बोलते हैं ध्वनि चिन्ह, है ना। तो वर्णों को ही ध्वनि चिन्ह कहते हैं, वर्णों को ही ध्वनि चिन्ह कहते हैं, हर ध्वनि का एक चिन्ह होता है जिसे कहते हैं वर्ण, ठीक है ना। जैसे का, माँ का चिन्ह क्या है, ए है, का चिन्ह क्या है, ए है, है ना, ये सारे। तो हर ध्वनि का एक चिन्ह होता है जिसे हम बोलते हैं वर्ण, ठीक है। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है, किसी भी ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है आपके पास कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, ध्वनि या फिर वर्ण, दोनों एक ही है। अगर उच्चारण रूप होता है ध्वनि और लिखित रूप होता है वर्ण, है ना, तो ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना आप, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, वर्ण से मिलकर अक्षर बनते हैं, अक्षर से मिलकर शब्द बनते हैं, और शब्द से मिलकर वाक्य बनते हैं, ठीक है। तो हमें पढ़ना क्या है, आज हम पढ़ने वाले हैं कि वर्ण विचार क्या है, है ना, कौन कौन से आते हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूं, देखिए वर्ण विचार में आपको ये जानना है कि वर्ण विचार में सबसे पहले कि वर्ण होते कितने प्रकार के हैं। तो देखो यहां पे जो अगर मैं वर्ण विचार की बात करूं, तो वर्ण जो होते हैं, है ना, वर्ण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कुछ होते हैं स्वर वर्ण, कुछ होते हैं व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो वर्ण विचार में हमें बस ये पढ़ना है कि स्वर वर्ण, हस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत क्या होता है, ऐसी व्यंजन वर्ण में आपको पढ़ना पड़ेगा वर्गीय व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, इस टाइप से कौन सा व्यंजन क्या होता है, है ना। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी का ये सब, है ना। तो मैं आपको स्वर वर्ण अलग लेक्चर में बताऊंगा, व्यंजन के लिए एक नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा। अभी जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि लेखन के अनुसार वर्ण के कितने भेद होते हैं, है ना, या लेखन के अनुसार स्वर वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको एक छोटी सी टेबल बना के बिल्कुल याद करवा दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन आया आपसे तुरंत बन जाएगा। देखो कैसे, देखिए यदि आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है किसी एग्जाम में कि मुझे बताइए कि उच्चारण के अनुसार स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो उच्चारण के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो उच्चारण के अनुसार होती है स्वरों की संख्या 10, ठीक है, उच्चारण के अनुसार स्वरों की संख्या होती है 10। और अगर क्वेश्चन आता है कि उच्चारण के अनुसार व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है कि उच्चारण के अनुसार व्यंजन की संख्या होती है 35। अब देखो आपको मालूम है कि जो उच्चारण के अनुसार स्वर की संख्या 10 होती है, उच्चारण के अनुसार व्यंजन की संख्या होती है 35। तो उच्चारण के अनुसार अगर पूछा जाए कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपको मालूम है कुल वर्ण कुछ नहीं होते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों को मिला के ही कुल वर्ण बनते हैं, क्योंकि वर्ण दो प्रकार के होते हैं ना। तो क्वेश्चन आएगा उच्चारण के अनुसार कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी, तो 10 और 35 मिलकर कितना हो जाएगा 45, 45, ठीक है। अगर क्वेश्चन दूसरा आता है कि लेखन के अनुसार या फिर ठीक है परंपरागत दृष्टि से भी पूछ लेता है, तो आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि लेखन के अनुसार स्वर की संख्या कितनी होती है, तो लेखन के अनुसार स्वरों की संख्या हो जाती है 13, 3 स्वर बढ़ जाते हैं, वो कौन कौन से स्वर बढ़ते हैं वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, बस इतना याद रखो अभी, लेखन के अनुसार या फिर परंपरागत दृष्टि से स्वरों की संख्या होती है 13, लेखन के अनुसार या परंपरागत दृष्टि से व्यंजनों की संख्या होती है 39, 39, और लेखन के अनुसार या परंपरागत दृष्टि से कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितनी हो जाएगी 52। इसको ध्यान रखना
ठीक है ना। तो क्या याद रखना आपको कि उच्चारण के अनुसार स्वर होते हैं 10, लेकिन लेखन के अनुसार स्वर हो जाते हैं 13। कितने बढ़ जाते हैं? तो आप बोलोगे +3 बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार आपको याद करना है कि उच्चारण के अनुसार व्यंजन होते हैं 35, लेकिन लेखन के अनुसार कितने होते हैं 39। मतलब कितने बढ़ जाते हैं यहाँ पे? 4 बढ़ जाते हैं। ठीक है, और इस तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर इतना याद है तो आप इनको ऐड कर सकते हो। 35 10 होते हैं 45, है ना, 39 और 13 होते हैं 52, है ना, 52। तो एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, है ना, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, किसी किसी बुक में कुछ और लिखा रहता है, कहीं कुछ और लिखा रहता है, तो आप इसको याद रखना, है ना, याद हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं, कौन से 10 होते हैं, 3 कौन से एक्स्ट्रा हो जाते हैं, इस प्रकार, है ना, स्वरों के बारे में। फिर इसके बाद नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे व्यंजनों के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।